दोस्तों, आज के चक्रव्यूह में हम गवर्नर कोश्यारी जी की होशियारी और आनंदीबेन के आनंद की बात करेंगे। देश में कोरोना का प्रकोप महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है, लेकिन यह भी एक सच है कि इसे निमटने के लिए जिस गंभीरता के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने काम किया उसको विश्व भर में सराहा गया। उन्होंने सख्त प्रतिबंध लगाए और फिर इसे धीरे धीरे हटाया। पहले मॉल खुले, फिर होटल और शराब खाने, और अब तो थिएटर्स भी खुल गए हैं, परंतु धर्म स्थलों के प्रतिबंध नहीं हटाया गया। इससे आम जनता में बेचैनी थी। मुस्लिम और हिंदू समुदाय की कई संगठनों ने सरकार को मेमोरेंडम दिया और जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का इस ओर ध्यान आकर्षित करना स्वागत योग्य था। इसके लिए गवर्नर ने पत्र लिखकर पूछा कि मुंबई में शराब खाने, जुए के अड्डे तो शुरू कर दिए गए हैं, मगर धर्म स्थल को खोलने की अनुमति क्यों नहीं दी जा रही है। ये बिल्कुल जायज प्रश्न था और जनता के दिल की बात थी। अपने पद की गरिमा का ख्याल करके गवर्नर ये बात व्यक्तिगत तौर पर कहते तो अच्छा था, लेकिन लंबे समय तक राजनीति में रहने के कारण वो संयम नहीं रख सके और अपना पत्र मीडिया में दे दिया। तब भी कोई हर्ज नहीं, लेकिन इसके बाद उन्होंने जो कुछ लिखा वो आश्चर्यजनक है। गवर्नर साहब लिखते हैं कि क्या आप भी सेकुलर हो गए हैं, जबकि सेकुलरिज्म से आपको हमेशा नफरत रही है। ये घटिया राजनीति है, क्योंकि सेकुलरिज्म धर्म स्थल को खोलने में रुकावट नहीं है। कोश्यारी ने दिल्ली में 3 जून से धर्म स्थलों के खुलने का उल्लेख किया। वो निर्णय केंद्र की हिंदुत्ववादी सरकार का नहीं बल्कि केजरीवाल की सेकुलर हुकूमत का है। उद्धव ठाकरे को यह कहकर शर्म दिलाना कि आप अयोध्या और पंढरपुर के विट्ठल मंदिर में पूजा कर चुके हैं, क्या आप मंदिरों को खोलने के लिए आपके पास ईश्वर से कोई आदेश मिल रहा है, गवर्नर के पद को शोभा नहीं देता। गवर्नर कोश्यारी ने जब अपने मान सम्मान पर मिट्टी डाल दी तो उद्धव ठाकरे ने भी मीडिया में मुंह तोड़ जवाब देते हुए लिखा, मेरे हिंदुत्व को आपके प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है। कंगना रानावत की ओर इशारा करते हुए उन्होंने लिखा कि हमारे राज्य की राजधानी मुंबई को पाक नियंत्रित कश्मीर कहने वालों का यहाँ पर स्वागत करने की अनुमति मेरा हिंदुत्व नहीं देता। इसके बाद उद्धव ठाकरे ने पूछा कि क्या हिंदुत्व का अर्थ धार्मिक स्थलों को दोबारा खोलना है, और क्या उन्हें न खोलने का मतलब सेकुलर होना है। उद्धव ठाकरे ने यह भी पूछा कि क्या सेकुलरिज्म संविधान का महत्वपूर्ण भाग नहीं है, जिसके नाम पर आपने गवर्नर बनते समय शपथ ग्रहण किया था। उद्धव ठाकरे ने गवर्नर बीएस कोश्यारी को सूचित किया कि राज्य में कोरोना की समीक्षा के बाद धर्म स्थलों को खोलने का निर्णय लिया जाएगा। ठाकरे ने कहा कि लोगों की आस्था के साथ साथ उनकी जानों की सुरक्षा भी जरूरी है। लॉकडाउन अचानक लगाना और खत्म कर देना दुरुस्त नहीं है। राज्य सरकार उनके अनुरोध पर विचार करेगी। कहा जाता है कि बंदर बूढ़ा हो जाए तब भी कलाबाजी खाने से बाज नहीं आता। यही हाल कोश्यारी जी का है। वो बीजेपी के उपाध्यक्ष रह चुके हैं, इसलिए भूल जाते हैं कि गवर्नर बनने के बाद मनुष्य को पार्टी से अलग होकर अपक्ष बन जाना पड़ता है। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा और उसमें कहा कि यह देखकर सदमा और आश्चर्य हुआ कि गवर्नर ने चीफ मिनिस्टर पर गलत आरोप लगाए हैं। संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को भाषा की गरिमा का ख्याल करना चाहिए। शरद पवार ने मुख्यमंत्री का समर्थन करते हुए लिखा कि ऐसी परिस्थिति में उनके पास मीडिया में जाने के सिवा कोई मार्ग ही नहीं बचा था। गवर्नर कोश्यारी की भाषा उनकी नीयत की चुगली खाती है। इससे पहले वो बिना बहुमत के रातों रात देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार का शपथ ग्रहण करा चुके हैं। इस बार वो अपना विचार केवल धर्म स्थलों तक सीमित रखते तो उन्हें मुसलमानों का भी समर्थन मिलता, परंतु अपनी घटिया राजनीति और खराब जबान के कारण उन्होंने हिंदुओं का समर्थन भी गंवा दिया है। बीजेपी के राज्यपाल आए दिन अपनी गरिमा को खाक में मिलाते रहते हैं। उनकी जबान
केवल गैर बीजेपी सरकारों के खिलाफ ही खुलती है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ ने कहा कि बंगाल में भी उत्तर प्रदेश और बिहार की तरह माफिया राज आ रहा है। आश्चर्य की बात है कि बंगाल का गवर्नर तो उत्तर प्रदेश और बिहार में माफिया राज को स्वीकार करता है जहां एनडीए की सरकारें हैं, लेकिन उन राज्यों के राज्यपाल इस बारे में मुंह खोलने की हिम्मत नहीं करते। हाथरस कांड के उत्तर प्रदेश की गवर्नर आनंदी बेन एक महिला है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई संवेदना प्रकट नहीं की। वहां पर अगर गैर बीजेपी सरकार होती तो अभी तक उसे बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता, लेकिन वो तो पूर्ण रूप से खामोश हैं। आनंदी बेन उत्तर प्रदेश में आनंदमयी हैं और महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी आए दिन कोई न कोई नई होशियारी करते रहते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। अगर पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। हम बहुत जल्द किसी नए विषय के साथ आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।